दर्शकों, मैं लक्ष्मी पांचाल एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ पितृपक्ष के इस स्पेशल प्रोग्राम में। पितृपक्ष में हम आपको पितरों को प्रसन्न करने के लिए क्या जरूरी बातें हैं वो आपको लगातार खबर 24 न्यूज के इन रिपोर्ट्स के माध्यम से बता रहे हैं। आज के इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि चतुर्दशी जो तिथि होती है पितृपक्ष की वो बेहद खास होती है और इस दिन किन लोगों का श्राद्ध किया जाता है, क्या इसकी महत्वता है, आज के इस रिपोर्ट में हम आपको श्राद्ध पक्ष यानी महालय संपन्न होने की ओर है। पितृपक्ष की चतुर्दशी श्राद्ध के लिहाज से बेहद खास होती है, यानी कि आज जो तिथि है उस पर मरे हुए लोगों का श्राद्ध भूलकर भी इस दिन नहीं करना चाहिए, वरना संतान को कष्ट झेलने पड़ते हैं। चतुर्दशी तिथि पर मरे हुए लोगों का श्राद्ध कब होता है और किसका श्राद्ध चतुर्दशी पर करते हैं, ये सब नियम आपको आज बताने वाले हैं। चतुर्दशी पर श्राद्ध पुरोहितों के अनुसार चतुर्दशी श्राद्ध तिथि केवल उन मृतकों के श्राद्ध के लिए उपयुक्त तो होती है जिनकी मृत्यु किन्हीं विशेष और असामान्य परिस्थिति में हुई हो या फिर जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति की मृत्यु यदि हथियार से हुई हो, दुर्घटना में हुई हो, उसके आत्महत्या की गई हो, किसी अन्य द्वारा उसकी हत्या की गई हो, इन्हीं का श्राद्ध पितृपक्ष की चतुर्दशी को होता है। इनके अतिरिक्त चतुर्दशी तिथि पर किसी अन्य का श्राद्ध नहीं किया जाता है, यानी कि जिन्होंने आत्महत्या की गई हो या फिर जिनकी हत्या की गई हो उन लोगों का श्राद्ध इस समय में अकाल मृत्यु में मरे हुए लोगों का किया जाता है, अन्यथा किसी अन्य जो पितृ हैं हमारे उनका श्राद्ध इस तिथि पर नहीं किया जाता है, आज के दिन नहीं किया जाता है, इससे संतान को कष्ट पहुंचता है, ये मान्यताएं हैं। इन श्राद्धों को संपन्न करने के लिए कुतुब, रोहिण आदि शुभ मुहूर्त माने जाते हैं। हालांकि अपराह्न काल समाप्त होने तक श्राद्ध संबंधी अनुष्ठान संपन्न कर लेना चाहिए। श्राद्ध के अंत में तर्पण किया जाता है। इस प्रकार से आज चतुर्दशी तिथि पर हमें किन लोगों का श्राद्ध करना चाहिए और किन लोगों का नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। अकाल मृत्यु के दौरान यानी कि अकाल जिनकी मृत्यु हुई है, जिन्होंने आत्महत्या की हो या फिर किसी अन्य के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई हो या फिर किसी दुर्घटना में किन्हीं की मृत्यु हुई हो परिवार के सदस्य की, तो उनका आज श्राद्ध किया जाता है। अन्य जो समय स्थिति से जिनकी मृत्यु हुई है उनका श्राद्ध आज नहीं किया जाएगा। तो इन नियमों का ध्यान अवश्य रखिए, क्योंकि आज यदि आप इन नियमों के विरुद्ध यदि किसी का श्राद्ध कर देते हैं तो ऐसी मान्यता है कि इससे कुछ भी गलत हो सकता है। तो अशुभ से बचे रहने के लिए इन नियमों का पालन जरूर करें। हमारे आज के इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही।